ऐसी दीवानगी। मैम एक एक्स्ट्रा शीट। क्या है ये? मैंने मेरा नहीं है। अगर हमारे कॉलेज की जीएस चीटिंग करेगी तो फिर हमारे बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? मैं सच में बोल रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। मैं प्लीज लीव। तुम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हो जो सच्चाई साबित करने से डरते हो। बेटा, हर इंसान को अपनी गलती की सजा मिलती है। प्रूफ मिल गया कि मैं गलत नहीं हूँ। चुपचाप झुक मेरे सामने और पूरे कॉलेज के सामने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफी मांग। मुझसे हारने से इतना डर जाओगे? पीठ पीछे वार फायर करते प्रेम। क्या परिणाम आया? बड़े पापा, आप यकीन नहीं करोगे, प्रेम भाई ने आज सबको शॉक कर दिया। तो ये सब तेरा नाटक था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है। क्या सोचा तुमने मुझे इतनी जल्दी राजपीपला से निकालकर तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा मुझसे? आवाज नीचे। तेजस्विनी ठीक है? आपको पता है क्या क्या पता होना चाहिए मुझे? ओह, इसका मतलब है काका कि आज आप ऐसे अचानक तेजस्विनी के बारे में पूछ रहे हैं ना, है ना? हाँ, वही। हाँ। क्या हुआ है तेजस्विनी को? तेल लगाया कर, दिमाग शांत रहेगा। यूं बात बात पर गुस्सा नहीं करेगा फिर। बात बात पर नहीं माँ, सिर्फ गलत बात पर। ठीक है, फिर सही बात पर खुश हो जा। आज रात को जो पार्टी हो रही है वो तो गलत नहीं है ना? टाइम पे आ जाना, समझा कि नहीं? पार्टी माँ, पार्टी तेजस्विनी के टॉप करने और मेरे फेल होने की खुशी में, और आप चाहती कि मैं उसमें आ जाऊं। कब समझेगा तू अपने पप्पा को प्रेम? तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरे पप्पा तेजस्विनी के टॉप करने की खुशी में ये पार्टी दे रहे? हाँ, वो बहुत खुश है कि तेजस्विनी ने टॉप किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है उनके लिए कि तूने उनसे सच बोला अपने रिजल्ट के बारे में। और बहुत दिनों के बाद तेरे पप्पा की मुस्कुराहट उनकी आंखों में झलक रही थी। और पता है प्रेम, माँ बाप के लिए सबसे गर्व की बात यही होती है कि उनके बच्चे उनसे कुछ न छुपाए। यकीन नहीं हो रहा कि इस हद तक गिर जाओगे किसी को हराने के लिए। तूने आज मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। देवसू के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते मेरा मत ये है, विनायक राव के भाई भवराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। हमने जो भी रणनीति बनाई थी उसका पहला पड़ाव तो पार हो गया। बस एक बार अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर फेंक दो। अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसे सिर्फ जान से मार दी। कौन है वहां? तुझे मेरे मरे हुए भाई की कसम, सच सच बता कि ये माजरा क्या है? बुआ जी, पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच जानना है ना? रिया प्रेग्नेंट है। एक बार तो माँ से माफी मांगनी चाहिए ना उन्हें। क्या पता माँ उनकी हालत देख के उन्हें माफ कर दे, दादी माफ कर दे। और आपको क्या लगता है माँ को अपनी दो बेटियों से मिलने का मन नहीं करता होगा? मुझे पापा को ढूंढना होगा, अपनी दो बहनों को ढूंढना होगा। बट यार तुम संभालो अपने आप को। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारी बहनों को, मैं मिलाऊंगा ना बाबा को तुम्हारी माँ से। नरेंद्र अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जब बस थोड़ी देर हो गया। माँ, समधन जी अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए उत्सुक होंगे, जरा पूजा को बुलवाइए। अब ये क्या है मोहित, ये वकील लेके क्यों आया है? मम्मी जी सही कहती तुम्हारे बारे में, तुमसे बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान कोई है नहीं। वकील साहब, महक पर नामजद केस दर्ज कराइए, इस जायदाद में से मोहित का हिस्सा हड़पने का। एक्सक्यूज मी, आप जानवी के साथ आई है ना? अरे सवाल के